हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सुपीरियर स्पाइडरमैन के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जे जोना जेम्सन के कहने पर ऑटो ऑक्टेवियस राफ्ट पे पहुंचकर एलिस्टर स्माइथ को मिली हुई मौत की सजा सुनाने में मदद करता है, लेकिन स्माइथ अपने स्पाइडर स्लेयर्स का यूज करता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, और इस तरह सुपीरियर स्पाइडरमैन और स्पाइडर स्लेयर के बीच एक भयानक फाइट की शुरुआत हो जाती है, लेकिन ऑटो ऑक्टेवियस उसे हराने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद एलिस्टर स्माइथ अपने स्पाइडर स्लेयर का यूज करके अपनी कॉन्शियसनेस को पीटर के शरीर में ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑटो ऑक्टेवियस उससे कहता है कि ये काम वो पहले ही कर चुका है, और इसी के साथ एलिस्टर स्माइथ की मौत हो जाती है। ये सब कुछ हो जाने के बाद ऑटो ऑक्टेवियस जेम्सन को उसकी एक रिकॉर्डिंग सुनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, और बदले में वो उससे पूरी की पूरी राफ्ट मांग लेता है, जिसे वो स्पाइडर आइलैंड 2 का नाम देकर वहां पर अपनी आर्मी को बनाने लगता है, और उसी आर्मी का यूज करके वो विल्सन फिस्क के शैडोलैंड पर अटैक कर देता है और वहां मौजूद सारे के सारे लोगों को मार देता है। लेकिन ऑक्टेवियस इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसकी नाक के नीचे एक और भी भयानक खतरा पनप रहा था, एक ऐसा खतरा जिसका नाम था द ग्रीन गॉब्लिन। अब आगे हमारी कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर में टिंकरर की शॉप से होती है। टिंकरर दरअसल में वो शख्स था जो छोटे सुपर हीरोज और विलन्स को अपने गैजेट्स और यूनिफॉर्म से सप्लाई करता था, और इसके बदले में वो उनसे पैसे लेता था। टिंकरर अपना काम कर ही रहा था कि तभी अचानक उसकी शॉप में हॉबगॉब्लिन आ पहुंचता है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये हॉबगॉब्लिन दरअसल में ओरिजिनल हॉबगॉब्लिन नहीं है। मार्वल कॉमिक्स के ओरिजिनल हॉबगॉब्लिन का नाम दरअसल में रॉडरिक किंग्सले है, जिसने हॉबगॉब्लिन बनने से रिटायरमेंट ले लिया था, और उसने हॉबगॉब्लिन को एक फ्रेंचाइजी बनाकर उसे लोगों को लोन पर देना शुरू कर दिया था, और उन्हीं में से एक था बेन यूरिक। बेन यूरिक दरअसल में डेली ब्यूगल के लिए काम करने वाला एक रिपोर्टर था, लेकिन अपनी डेली लाइफ से बोर हो जाने की वजह से उसने किंग्सले से हॉबगॉब्लिन की फ्रेंचाइजी को लोन पर ले लिया था, और पिछले काफी समय से वो विल्सन फिस्क के लिए हॉबगॉब्लिन बनकर काम कर रहा था, लेकिन सुपीरियर स्पाइडरमैन के अटैक की वजह से विल्सन फिस्क को भागना पड़ा था, और इसी वजह से अब गॉब्लिन के पास कोई भी ओनर नहीं था जो उसे पैसा दे पाए, और वो टिंकरर के पास आकर उसे यही सब कुछ बताने लगता है। वो उससे कहता है कि उसे अपने वेपन्स और गैजेट्स को अपग्रेड करने के लिए टिंकरर की मदद चाहिए होगी, और ये कहने के बाद वो अपने गैजेट्स को उसके पास छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। टिंकरर उसके सारे वेपन्स को लेकर अपने एक वर्कर के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे ये सारे के सारे गैजेट्स थोड़ी देर में पूरी तरह से अपडेटेड चाहिए, और तब हमें ये चीज पता चलती है कि वो वर्कर दरअसल में टाइबेरियस स्टोन था। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि टाइबेरियस स्टोन एक काफी ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, जो कुछ समय पहले तक होराइजन लैब्स के लिए काम करता था, लेकिन अपनी बुरी हरकतों की वजह से उसे होराइजन लैब से निकाल दिया गया था। लेकिन टाइबेरियस स्टोन पूरी तरह से डिल्यूजनल था। वो इस चीज को मानता था कि उसके अनएम्प्लॉयमेंट का रिस्पॉन्सिबल दरअसल में होराइजन लैब्स और हॉबगॉब्लिन है, और वो किसी भी कीमत पर उन दोनों से बदला लेना चाहता था। और हॉबगॉब्लिन के गैजेट्स को देखने के बाद टाइबेरियस स्टोन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे हॉबगॉब्लिन से बदला लेने का अपना मौका मिल चुका था। इधर डेली ब्यूगल में हॉबगॉब्लिन बनने वाला बेन यूरिक वहाँ के लोगों को हॉबगॉब्लिन की इमेजेस और वीडियोस दे देता है। वो पीटर पार्कर की तरह ही हॉबगॉब्लिन बनकर अपनी खुद की फोटोज खींचता था और उन्हें डेली ब्यूगल में सप्लाई करके वहाँ पर काम करता था। लेकिन बेन इस बात को जानता था कि विल्सन फिस्क के जाने की वजह से अब वो पूरी तरह से अनएम्प्लॉयड हो चुका था, और अगर जल्दी ही उसे कोई काम नहीं मिला तो वो किंग्सले को हॉबगॉब्लिन के लिए पैसे नहीं दे पाएगा, और वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक रॉडरिक किंग्सले का उसके पास फोन आता है, जो उससे कहता है कि उसने अभी तक किंग्सले को हॉबगॉब्लिन का किराया नहीं दिया था, और अगर जल्दी ही उसने ऐसा नहीं किया तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और ये सुनने के बाद बेन यूरिक उससे कहता है कि उसके पास अब एम्प्लॉयमेंट नहीं था, और इसी वजह से उसे ये सब कुछ करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। लेकिन किंग्सले उससे कहता है कि हॉबगॉब्लिन एक क्रिमिनल है, और अगर उसे पैसे चाहिए थे तो उसे भी वही करना चाहिए था जो बाकी के सुपरविलन्स करते थे। और किंग्सले की बात सुनने के बाद हॉबगॉब्लिन एक एक करके न्यूयॉर्क शहर के बैंक्स को लूटना शुरू कर देता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वहां पर ऑटो ऑक्टेवियस के स्पाइडरबॉट्स होने के बाद भी वो उसे अभी तक नहीं देख पाया था, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हॉबगॉब्लिन उसके स्पाइडरबॉट से बच कैसे रहा था।
और ये सब कुछ करने के बाद हॉबगॉब्लिन को रियलाइज होता है कि उसकी लाइफ काफी ज्यादा आसान हो चुकी है, क्योंकि स्पाइडरमैन उसे पकड़ नहीं पा रहा था और काफी सारे बैंक्स लूटने के बाद अब हॉबगॉब्लिन ने काफी सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि टाइबेरियस स्टोन ये सब कुछ नोटिस कर रहा था और हॉबगॉब्लिन से अपना बदला लेने के लिए वो सुपीरियर स्पाइडरमैन को अलर्ट कर देता है, जो एक ही झटके में वहां पहुंचकर हॉबगॉब्लिन के मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है। वो उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि हॉबगॉब्लिन उसके स्पाइडरबॉट्स को कैसे अवॉइड कर रहा था, लेकिन आज उसका खेल यहीं खत्म होता है। वो हॉबगॉब्लिन को पकड़कर उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन हॉबगॉब्लिन उससे कहता है कि उसे हराना इतना आसान नहीं है, और ये कहने के बाद वो अपने पीछे से अपनी फायर सॉर्ड को निकाल कर उसे ऑन कर देता है। लेकिन अचानक ही हॉबगॉब्लिन की सॉर्ड खराब हो जाती है और तब हमें ये चीज पता चलती है कि वहीं पर खड़ा हुआ टाइबेरियस स्टोन उसके गैजेट्स को एक एक करके खराब कर रहा था, और इसी चीज को देखकर सुपीरियर स्पाइडरमैन अपने क्लॉज को निकालता है और हॉबगॉब्लिन पर एक जबरदस्त अटैक करता है। सुपीरियर स्पाइडरमैन के अटैक्स को देखकर हॉबगॉब्लिन काफी बुरी तरह से घबरा जाता है और वो उससे कहता है, ये जितना अच्छा लगता है उतना है नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा, मुझे भागना होगा। और ऑटो उसकी तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है, डरपोक कहीं का। ऑटो ऑक्टेवियस जैसे तैसे उसका पीछा करते हुए वहां पर पहुंचता है, लेकिन थोड़ी आगे पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि हॉबगॉब्लिन ने अपनी कॉस्ट्यूम को वहीं छोड़कर अपना ह्यूमन फॉर्म ले लिया था और अब इतनी भीड़ में उसे ढूंढ पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। वो अपने मन में ही सोचने लगता है कि हॉबगॉब्लिन के भागने से पहले उसने उसके ऊपर अपने नैनो ट्रेसेस प्लांट कर दिए थे, लेकिन उसकी कॉस्ट्यूम के छूटने की वजह से उसे ये नहीं पता था कि उसमें से कितने ट्रैकर्स उसकी स्किन तक पहुंच पाए हैं। और यही चीज सोचने के बाद वो धीरे धीरे करके उन्हें ट्रैक करना शुरू कर देता है। इधर बेन यूरिक अपनी हॉबगॉब्लिन कॉस्ट्यूम को छोड़ने के बाद पूरी तरह से पैनिक करने लगता है। वो डेली ब्यूगल के ऑफिस पहुंचकर वहां मौजूद रॉबी से कहता है कि उसे एक और चेक की जरूरत है। वहां मौजूद लोग बेन को देखकर काफी घबरा जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार बेन इस तरह बिहेव क्यों कर रहा था। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि ये सब कुछ सुपीरियर स्पाइडरमैन अपने नैनो ट्रैकर्स की मदद से वहीं पर मौजूद सुन रहा था, जो अपने गैजेट्स का यूज करता है और पूरे के पूरे न्यूयॉर्क शहर को ये चीज बता देता है कि बेन यूरिक दरअसल में हॉबगॉब्लिन है। और ये देखने के बाद डेली ब्यूगल में मौजूद वहां के एम्प्लॉयज काफी घबरा जाते हैं। बेन यूरिक उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ बकवास है और सुपीरियर स्पाइडरमैन उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिर्फ उसका ऑडियो होने की वजह से सुपीरियर स्पाइडरमैन को उसकी लोकेशन नहीं पता थी, और इसी वजह से वो अपनी ब्रॉडकास्ट में बार बार यही चीज बोल रहा था कि अगर किसी के पास भी बेन यूरिक का एड्रेस हो या उसकी लोकेशन हो तो वो तुरंत ही सुपीरियर स्पाइडरमैन को इन्फॉर्म कर दे। और ये सब कुछ सुनने के बाद पहले तो डेली ब्यूगल के एम्प्लॉयज इस बात पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन वहीं पर मौजूद नोरा विंटर्स, जो दरअसल में बेन यूरिक की गर्लफ्रेंड भी थी, वो अचानक ही इस बारे में सोचने लगती है कि आखिरकार बेन यूरिक ही हॉबगॉब्लिन की इतनी क्लियर फोटोज कैसे लाता था। और ये सुनने के बाद बेन यूरिक काफी बुरी तरह से पैनिक करने लगता है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसे ये चीज पता चलती है कि डेली ब्यूगल के बाहर कई सारे रिपोर्टर्स और पुलिस की कारें आ चुकी थी। और ये सब कुछ देखने के बाद विल धीरे धीरे करके अपना आपा खोने लगता है। वहाँ पर मौजूद लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि फिल को घबराने की जरूरत नहीं है और वो लोग उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिल के दिमाग पर धीरे धीरे करके हॉबगॉब्लिन की पर्सनालिटी अब टेक ओवर करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी अचानक सुपीरियर स्पाइडरमैन वहाँ पर आ पहुँचता है, जो वहाँ पर मौजूद लोगों से कहता है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है और वो फिल यूरिक से उनकी जान बचा लेगा। लेकिन वहाँ मौजूद लोग उससे कहते हैं कि उन्हें फिल यूरिक पर पूरा भरोसा था और वो लोग इस बात को जानते थे कि वो दरअसल में हॉबगॉब्लिन नहीं है। और ये सुनकर ऑटो ऑक्टेवियस अपना सिर पीट लेता है और उनसे कहता है कि उन लोगों की आंखों के सामने फिल यूरिक की पर्सनालिटी चेंज हो रही थी और उन लोगों को इससे बड़ा सबूत नहीं मिल सकता था। और उसके ये कहते ही फिल यूरिक अपनी सॉर्ड को निकालता है और वहीं पर मौजूद नोरा विंटर्स को पकड़कर उसे शील्ड बना लेता है। नोरा विंटर्स अपना बचाव करना जानती थी और वो उसे एक ही एल्बो मारकर वहां से भाग निकलती है, लेकिन हॉबगॉब्लिन के पास अभी एक और ट्रिक बाकी थी और वो थी उसकी सोनिक स्क्रीम। और ये कहने के बाद वो अपने गले से एक अजीब सी आवाज निकालनी शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद हर एक इंसान को इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ये देखने के बाद ऑटो ऑक्टेवियस उससे कहता है कि अब बहुत हुआ, और ये कहने के बाद वो अपने लगाए हुए उन नैनो ट्रैकर्स को ब्लास्ट कर देता है और फिल यूरिक को लेकर एक जबरदस्त पियर मारता है।
फिल यूरिक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुपीरियर स्पाइडरमैन उससे कहता है कि अब वो वहाँ से नहीं भाग सकता था क्योंकि उसे चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था और ये सब कुछ पूरा का पूरा मीडिया रिकॉर्ड कर रहा था। और ये देखने के बाद फिल यूरिक अपनी सॉर्ड को वहीं फेंक देता है, लेकिन सुपीरियर स्पाइडरमैन उसे अपने हाथों में उठाकर उससे कहता है कि फिल एक बहुत ही खतरनाक इंसान है और उसे जिंदा छोड़ना एक बहुत ही गलत मूव होगा। और ये कहने के बाद वो उसी की तलवार का यूज करके उसे मारने ही वाला था कि तभी अचानक उसके पास एक कॉल आता है और ऑटो ऑक्टेवियस देखता है कि वो कॉल दरअसल में कैप्टन अमेरिका का था, जो उससे कहता है कि जो कुछ भी स्पाइडरमैन करने की कोशिश कर रहा था वो करने से पहले उसे 100 बार सोच लेना चाहिए क्योंकि अगर उसने फिल यूरिक की जान ली तो एवेंजर्स उसे नहीं छोड़ेंगे। और ये सुनने के बाद सुपीरियर स्पाइडरमैन उसकी तलवार को बंद कर देता है और वहाँ मौजूद पुलिस से कहता है कि वो लोग उसे अरेस्ट कर सकते हैं। और सुपीरियर स्पाइडरमैन की बात सुनने के बाद वो सारे के सारे कॉप्स उसे अरेस्ट करके वहाँ से ले जाते हैं। और ये सब कुछ देखकर वहाँ मौजूद रिपोर्टर्स पूरी तरह से स्पाइडरमैन को घेर लेते हैं और वो उनसे कहता है कि आज के दिन न्यूयॉर्क शहर के सिटीजन्स ने उसकी बहुत मदद करी थी और इसी वजह से वो सारे के सारे सिटीजन्स उसकी स्पाइडर आर्मी थे। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद जो वैन फिल यूरिक को वहाँ से लेकर जा रही थी उस पर एक अटैक होता है और फिल उस शख्स से पूछता है कि क्या ये सब कुछ करवाने वाला किंग्सले था। लेकिन वो रहस्य में शख्स उससे कहती है कि किंग्सले एक बहुत ही छोटी चीज था और अब वक्त आ चुका था कि फिल भी उन्हीं की तरह एक बड़ी गैंग को ज्वाइन कर ले। और ये कहने के बाद वो उसे सीवर्स में लेकर जाती है और उससे कहती है कि उनका किंग उससे मिलने के लिए तैयार था, लेकिन फिल उसके सामने इस तरह नहीं जा सकता। और ये कहने के बाद वो उसे एक मास्क और एक कॉस्ट्यूम देते हैं, जिसे पहनने के बाद फिल यूरिक भी उन्हीं की तरह एक गॉब्लिन बन जाता है। और ये देखने के बाद गॉब्लिन किंग उसके सामने आकर उससे कहता है, अब इस चीज का वक्त आ चुका है कि तुम किंग्सले की शैडो से बाहर निकलो, क्योंकि आज से हब गॉब्लिन मर चुका है और तुम हो मेरे गॉब्लिन नाइट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए और हम देखते हैं कि इस वीडियो पर हमें कितने स्पाइडर लाइक्स मिलते हैं। और अगर आप इस यूनिवर्स में नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमिक वर्स का पार्ट जरूर बनिएगा। मैं इसका अगला पार्ट कल सुबह तक अपलोड कर दूंगा, तब तक आप सभी लोग मेरे बाकी के वीडियोस को देखकर एंजॉय करिए और मुझे ये भी बताइए कि आप सभी को सुपीरियर स्पाइडरमैन कैसी लगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।